हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोग के साथ क्विक एंड इजी रेसिपी ऑफ एक करी, वो आप लोग के साथ आज मैं शेयर करूंगी। और इसके इंग्रेडिएंट्स हैं यही 4 से 5 टुकड़े कट करके, मतलब जो स्लाइसेस होते हैं अदरक के, मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। कुछ दालचीनी और इलायची रखे हैं, 2 तेज़पत्ता यहाँ पे रखा है, 2 मीडियम साइज प्याज मैंने कट करके रखा है, साथ ही साथ 1/2 टमाटर चॉप करके मैंने यहाँ पे रखा है। यहाँ पे भी 2 मीडियम साइज प्याज है, साथ ही साथ ग्रीन जो हरे मटर होते हैं ये रख। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पुस्तो रखा है मैंने, ये इजीली आपको लोकल मार्केट में मिल जाएगा। और यहाँ पे 4 से 5 मैंने काजू यहाँ पे रखे हैं, साथ ही साथ दालचीनी, इलायची, लौंग और काली मिर्च एक साथ मैंने यहाँ पे रखा है। यहाँ पे मैंने 3 अंडे रखे हैं, साथ ही साथ यहाँ पे फ्रेश दही है। यहाँ पे मैंने कढ़ाई बिठा दिया है लो फ्लेम में, और 4 चम्मच मैंने रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। ऑयल गरम हो चुका है, ये आप देख सकते हैं, अच्छे से ऑयल गरम हो चुका है। इसमें मैं थोड़ी सी हल्दी, साथ ही साथ थोड़ी सी मिर्ची पाउडर भी मैं इसमें डाल दूंगी। जो सारे एग्स रखे हुए हैं ये मैं इस ऑयल में डाल दूंगी, डाल के अच्छे से मैं इसको फ्राई कर लूंगी। देख सकते हैं ये अच्छे से ये फ्राई हो चुके हैं। अब एक बाउल में मैं इसको निकाल लूंगी। अब मैं एक मिक्सी में ये जितनी भी इंग्रेडिएंट्स है, प्याज टमाटर, वो सारे मैं एक एक करके डाल दूंगी। जैसे प्याज हो गया, ये टमाटर, ये जो अदरक और लहसुन है वो भी, और ये इलायची दालचीनी उसको भी मैं इसमें पेस्ट कर लूँगी। साथ ही साथ 1/2 स्पून जीरा, जो साबुत जीरा है, मैं उसको भी डाल दूँगी। उसके बाद काजू, उसके बाद ये 1 लौंग, उसके बाद ये जो पुस्तो हैं आप देख सकते हैं, ये भी सारे मैं इसमें डाल दूँगी। देख सकते हैं सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें डाल दिए हैं। अभी मैं इसको अच्छे से पेस्ट बना लूँगी। जो मैंने ये अंडे थे जिस ऑयल में मैंने फ्राई किया था, उसी ऑयल में मैं एक एक करके प्याज मटर सारे डाल दूँगी। उसी ऑयल में मैंने सारे प्याज यहाँ पे डाल दिए हैं, ये थोड़े से हल्के ब्राउन हो जाएंगे, उसके बाद मैं मटर सारे डाल दूँगी। बाद में ये 2 तेज़पत्ता जो हैं वो भी डाल दूँगी। उसके बाद ये इलायची, काली मिर्च, ये सारे मैं इसमें डाल दूँगी और अच्छे से इनको फ्राई कर लूँगी। जो पेस्ट करके मैंने यहाँ पे रखा था, ये सारे मैं इस ऑयल में डाल दूँगी। आप देख सकते हैं सारे पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैं इसको अच्छे से चला लूँगी कि सारे मिक्स हो जाए। अब मैं एक एक करके सारे मसाले डालूँगी, जैसे हल्दी 1/2 स्पून, उसके बाद धनिया पाउडर 1/2 स्पून, उसके बाद मिर्ची इतना ज़्यादा नहीं डालूँ क्योंकि इसका जो फ्लेवर है इतना तीखा नहीं होना चाहिए, थोड़ी सी। आपको तब तक इसको अच्छे से चलाना है जब तक ये ऑयल अलग नहीं हो जाता है। अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अभी जो ये मैंने दही रखे थे ये सारे मैं इस पर दे दूँगी, तो अच्छे से मिक्स कर लूँगी। एक अच्छा सा कलर इसमें आया है, मैं इसको अच्छे से तब तक चलाना है जब तक एक कच्चा जो फ्लेवर है वो ना चला जाए। ये अच्छे से हो चुका है, आप देख सकते हैं ऑयल पूरा अलग हो चुका है। ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी, नहीं तो एक अलग ही फ्लेवर हो जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा जल जाएगा। अभी मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, तब थोड़ा सा ग्रेवी हो जाए। देख सकते हैं ये अच्छे से ग्रेवी बन चुका है। ये जो 3 अंडे हैं मैं इसमें अच्छे से डाल दूंगी। आप अच्छे से सॉल्ट को टेस्ट कर लीजिएगा कि सॉल्ट कम हो या ज़्यादा हो, आप ये अच्छे से टेस्ट करके इसको दे दीजिएगा। अच्छे से पक चुका है, अब मैं 3 मिर्ची इसमें दे दूंगी और इसको अच्छे से सर्व कर लूँगी। मैंने एक बाउल में इसको अच्छे से सर्व कर लिया। अपने घर पे आप ज़रूर बना के ट्राई कीजिए।